बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कोई स्कूल नहीं जा सकता, सारे घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनका दिन में इस तरह थोड़ा सा टाइम बच जाता है जिसमें वो सोचते हैं कि चलो हम लोग कोई हेल्दी एक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन नहीं मिलती। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी देखा था मेरी पिछली वीडियो में कि मैंने गार्डनिंग की थी, वो भी एक हेल्दी एक्टिविटी है। तो आज हम लोग होममेड क्ले बनाने लगे हैं जो बहुत इजी है। व्यूअर्स, आज हम लोग क्ले बनाने लगे हैं, उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है ऑल पर्पस फ्लोर 1 कप, सॉल्ट 1/2 कप, वाटर 1/2 कप, ऑयल 1 टेबलस्पून, और हमारे पास थोड़े से फूड कलर्स हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो 1 कप मैदा था और 1 कप आधा कप सॉल्ट था, वो अब हम लोग इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेंगे। फातिमा, आप सॉल्ट डाल सकती हैं। अब आप 1 कप मैदा डाल दें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी डालूंगी। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको ऐसे मिक्स कर लिया। आप इसके अंदर अब ऑयल डाल दें। अब हम इसको हाथों की मदद से गूंथ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा क्ले की जैसा बन गया, और ये हमारी क्ले भी बन गई है। अब हम इसके लिए फूड कलर ऐड कर देंगे इसको डिवाइड करके। फ्रेंड्स, हमने इसको 4 से 5 मिनट मुसलसल गूंथा था। ये बहुत सॉफ्ट है और देखिए कितने आराम से स्ट्रेच हो जाती है। ये नॉन टॉक्सिक भी है और होममेड भी है। आप लोग इसको जितना मर्जी बनाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। अब हम फ्रेंड्स इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं, और जैसे मैं इसका इसके अंदर थम करूँगी वैसे आप लोग करें। फ्रेंड्स, ये क्ले हमारी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब हम लोग इसके अंदर फूड कलर ऐड करेंगे। आप लोग फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं एक्रेलिक पेंट की, लेकिन हम लोग फूड कलर ऐड कर। फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने फूड कलर इसके अंदर ऐड कर लिए। और अब हम इसको मिक्स। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे जिन जिन कलर्स के हम लोगों ने फूड कलर्स वगैरह सारा कुछ डाला था, उन कलर्स की क्ले तैयार हो गई हैं, और मेरे पास उनके जैसे कलर्स के कटर्स भी पड़े हुए हैं। और अब हम लोग इन कटर से क्ले को कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग इस डो से कोई भी शेप काट सकते हैं। ये डो बगैर ग्लू के बनी है, और ये 6 मंथ्स तक सेव आपके पास रह सकती है। आप लोग इसको स्टोर करने के लिए कोई भी जिप लॉक बैग या एयर टाइट कंटेनर वगैरह, बॉक्स वगैरह में आप लोग रख सकते हैं इसको। अब मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, कितना अच्छा कलर लग रहा है, और ये देखें कितनी अच्छी लग रही है ये। अब फातिमा अपनी शेप कट कर लेती है।
कितनी प्यारी क्ले लग रही है, क्ले का कलर कितना अच्छा, मेरा फेवरेट कलर भी येलो ही है। अब मैं इसको कट करती हूँ। ये देखिए शेप कितनी अच्छी लग रही है पीछे से भी। ये कितनी अच्छी लग रही है। मैंने इसको बस निकाले तो ये बस एंडिंग के क्ले की इशू अब से बात कर लें। मेरे पास ग्रीन कलर की क्ले है और ग्रीन कलर का ही ट्री है। अब मैं इसको उसकी शेप दे दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी शेप दे रहे हैं, कितनी अच्छी शेप है ये। मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। इसने कितनी अच्छी शेप दी है, मैं इसको बाहर निकाल लिए। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ट्री रेडी है। देखें कितना अच्छा ब्लू कलर है। अब हम इसको भी शेप दे देंगे। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और फिर आपको इसकी शेप दिखा देते हैं। देखें इसकी कितनी अच्छी शेप आ गई है। देखें मून है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लू कलर भी इसका आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये देखें कितनी अच्छी तैयार हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को भी कहना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ें बनाएं जिनसे उनको लर्निंग भी हो। ये देखें घर में कितनी आसानी से बन गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो बेल आइकन है उसके साथ बना हुआ है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिलते रहें। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।